मित्रों श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। मित्रों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शारदीय नवरात्र आने से पहले घर से फौरन हटा दे ये चीजें, नहीं तो माता हो जाएंगी क्रोधित। ये उपाय करने से आप सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। आज गुरुजी की ही कथा सुनकर आपको इन उपाय के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर से होने जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का पर्व साल में 2 बार आता है, एक चैत्र नवरात्रि और अश्विन मास में आने वाले नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं, जो अक्टूबर के महीने में आते हैं। इन 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूप का विशेष पूजा अर्चना की जाती है और विजयदशमी के दिन शारदीय नवरात्रि का संपन्न हो जाते हैं। इस बार मां दुर्गा का आगमन हाथी की सवारी पर हो रहा है। जब भी माता हाथी की सवारी पर आती हैं, तो देश में धन धान्य में बढ़ोतरी होती है, साथ ही अनाज के भंडारे भी भरेंगे, देश में सुख समृद्धि आएगी। माता का हाथी की सवारी पर आना इस बात का संकेत है कि अगले एक साल वर्षा भी खूब अच्छी रहने वाली है। आपको बता दें कि नवरात्रि का समापन 23 अक्टूबर को होगा। वास्तु शास्त्र की जानकार रचना मिश्रा के अनुसार घर से परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, पैसा टिक नहीं रहा है, या फिर कोई ना कोई घर का सदस्य बीमार रहता है, तो इसके लिए आपके घर का वास्तु दोष काफी हद तक जिम्मेदार हो सकता है। घर का खराब वास्तु आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां खड़ी कर सकता है। शारदीय नवरात्र आने से पहले घर से फौरन हटा दे ये चीजें, नहीं तो माता हो जाएंगी क्रोधित। आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप महादेव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। उनके अनुसार वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में मौजूद हरेक चीज, हरेक वास्तु और उसके स्थान परिवार की खुशियों और समृद्धि का कारण होती हैं। पर कई बार यही चीजें परिवार में हानि और विपत्तियों का कारण बनती हैं। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, घर में किन चीजों को रखना शुभ होता है और किन चीजों को रखने से परेशानियां आती हैं। रचना जी कहती हैं कि भले ही ये वस्तुएं निर्जीव हैं, लेकिन इनमें भी ऊर्जा होती है, कुछ में सकारात्मक तो कुछ में नकारात्मक। ऐसे में इस बात का हमें पता होना चाहिए कि कौन शुभ है और कौन अशुभ। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर आज हम आपको ऐसी ही कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें घर में रखना शुभ नहीं होता। इन चीजों को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन, चटका हुआ शीशा, खराब इलेक्ट्रॉनिक, खंडित तस्वीर, फर्नीचर, घड़ी, दीपक, झाड़ू, कप, कटोरी आदि कुछ भी नहीं रखना चाहिए। माना जाता है खराब और खंडित चीजों को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे मानसिक समस्याएं हो सकती है। माना जाता है इन चीजों को घर में रखने से वास्तु दोष होता है, जिससे घर में लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। नवरात्र के दौरान खाने में किसी प्रकार के लहसुन, प्याज, अंडे या मांस आदि का सेवन नहीं करना है। यदि आपके घर में भी प्याज, लहसुन या अंडे रखे हुए हैं, तो तुरंत उन्हें बाहर फेंके, उसके बाद घर की गंगाजल या गोमूत्र छिड़काव करके सफाई करें। घर में जितना भी बेकार पड़ा सामान है या घर में कहीं कबाड़ इकट्ठा किया हुआ है, विशेषकर उत्तर दिशा में, तो उसे तुरंत ही कबाड़ी वाले को भेज दें अथवा घर से बाहर कर दें। पुराने जूते, चप्पल आदि को भी घर से बाहर फेंक दें।
नवरात्र के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। मंदिर के अंदर यदि पुरानी माला है, टूटी हुई मूर्तियां और इसके साथ ही खाली माचिस की डिबिया रखी हुई है तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा टूटी मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। मंदिर के बाद घर की सबसे पवित्र जगह रसोई घर ही मानी जाती है। रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास माना गया है, इसलिए रसोई घर को नवरात्रि से पहले अच्छी तरह से साफ सुथरा बना ले। यदि रसोई घर में किसी प्रकार का कोई खराब पदार्थ रखा हुआ है, जैसे कि खराब अचार, टोमेटो सॉस, तो आप सभी वस्तुओं को बाहर फेंक दें। घर के मुख्य दरवाजे को अच्छी तरह से सजाएं। यदि कोई घर के दरवाजे आवाज कर रहे हैं तो उन्हें मिट्टी का तेल या सरसों का तेल दें, जिससे वह आवाज करनी बंद करें। घर में यदि कहीं भी मकड़ी के जाले दिखाई देते हैं तो तुरंत ही सभी मकड़ी के जाल को हटा दें। मकड़ी का जाला किसी प्रकार से घर में शुभ नहीं माना गया है। घर में यदि किसी भी प्रकार से बंद या खराब घड़ी लगाई हुई है या रखी हुई है तो उसे तुरंत ही बाहर फेंक दें। उसके स्थान पर आप या तो घड़ी को ठीक करवा ले या नहीं घड़ी खरीद ले, क्योंकि घड़ी समय चक्र का प्रतीक है, उसका नियमित चलना आवश्यक है। डॉट न रखें ये तस्वीरें। घर में कभी भी महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारा, जंगली जानवर के चित्र, किसी की समाधि या दरगाह, कब्र और कांटेदार पौधों के चित्र नहीं लगाने चाहिए। ये तस्वीरें घर में नकारात्मकता को बढ़ाती हैं, जिससे घर में शुभ नहीं होता। इन तस्वीरों को घर में रखने से कलेश, विवाद, झगड़े आदि होते रहते हैं। ये तस्वीरें परिवारजनों की मानसिकता पर बुरा असर डालती है, जिसके कारण रिश्तों में भी खटास आने लगती है। इसलिए कभी भी ऐसी पेंटिंग्स या तस्वीर घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए। भले ही यह एक चित्र है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सभी घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। अक्सर लोग पुराने फटे कपड़ों की पोटली बनाकर घर के किसी कोने या अलमारी के ऊपर रख देते हैं, जबकि कुछ उनके अलमारी के एक हिस्से में ऐसे ही रख देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलमारी में मौजूद ये पुराने न इस्तेमाल होने वाले कपड़े घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है? अगर घर में ऐसे कपड़े हैं तो उन्हें दान कर देना चाहिए या किसी ऐसे व्यक्ति को दे देना चाहिए जिन्हें उनकी जरूरत है। अक्सर घरों में कोई सामान टूट जाने पर उसे इकट्ठा करने लगते हैं, जो परिवार के लिए अच्छा नहीं होता। घर में कबाड़ इकट्ठा करने के लिए अलग से कबाड़ खाना होना चाहिए और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कबाड़ ज्यादा इकट्ठा न हो। पुराने और टूटे हुए जूते चप्पलों को घर में नहीं रखें, उन्हें फेंक दें। यह परिवार की प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं। वास्तु के अनुसार घर की छत पर पड़ी गंदगी आर्थिक समस्याओं का कारण बनती है। ऐसा होने पर परिवार की बरकत पर असर पड़ता है। इसलिए घर की छत पर कभी भी कबाड़ या फालतू सामान इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इससे सदस्यों के मनमस्तिष्क पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें और पूरी साफ सफाई रखें। घर में कभी भी फटा हुआ पर्स या टूटी हुई तिजोरी नहीं होनी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इससे बचने के लिए पर्व व तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें। पर्स में 5 इलायची रखें। पर्स में चाबियां या कोई अपवित्र वस्तुएं ना रखें। पर्स में भगवान के चित्र रख सकते हैं। किताबें या छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारियों को बंद करने या दरवाजा नहीं है या उसमें कांच नहीं लगा है तो वह खुली मानी जाएगी। अगर घर में कोई ऐसी अलमारी है तो उसमें तुरंत दरवाजा लगवा ले या उसे हटा दे। माना जाता है घर में ऐसी अलमारी होने पर घर में हर कार्यों में रुकावटें आती हैं और धन पानी की तरह बहने लगता है।
इसलिए घर में टूटी या खुली अलमारी न रखें। घर में या मंदिर में देवी देवताओं की टूटी हुई, फटी हुई या चटकी हुई तस्वीरें या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, इससे आर्थिक हानि होती है। इसलिए अगर घर में कोई ऐसी तस्वीर है तो उन्हें पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। घर में कभी भी किसी भगवान की विकराल रूप की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। जैसे शिव जी का काल भैरव और नटराज रूप घर में नहीं रखना चाहिए। कई लोग घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबिज आदि को घर में कहीं पर भी रख देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही होता कि कौन सा पत्थर फायदा पहुंचाता है और कौन सा नुकसान। इसलिए इस तरह के किसी भी सामान को घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि एक छोटा सा पत्थर भी आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है। इसलिए ध्यान रखें और बिना काम की चीजों को घर में नहीं रखें। घर को आकर्षक दिखाने के लिए लोग नकली कांटेदार पौधे लगा लेते हैं, लेकिन घर में कभी भी ऐसे पौधे नहीं रखने चाहिए। इससे परिवार के संबंधों में कड़वाहट आती है। कुछ लोग घर सजाने के लिए घर में पड़ी पुरानी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जो ठीक नहीं है, क्योंकि इसका सीधा असर आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है या घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। नवरात्र के दौरान खाने में किसी प्रकार के लहसुन, प्याज, अंडे या मांस आदि का सेवन नहीं करना है। यदि आपके घर में भी प्याज, लहसुन या अंडे रखे हुए हैं तो तुरंत उन्हें बाहर फेंके, उसके बाद घर की गंगाजल या गोमूत्र छिड़काव करके सफाई करें। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए।